झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा राज्य के सभी 24 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही है और इस किसान बिल को वापस करने की मांग कर रही है। इसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा धनबाद जिले के द्वारा भी रणधीर वर्मा चौक के समीप धरना प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल को जमकर विरोध किया गया, इसे वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान जेएमएम के धनबाद जिलाध्यक्ष रमेश टुडू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल किसानों के खिलाफ है, इससे व्यापारियों को लाभ होगा और किसानों को सही मूल्य नहीं मिलेगा। कहा कि किसान विरोधी बिल के खिलाफ हम लोग सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे और इसे झारखंड में लागू नहीं होने देंगे। कहा कि झारखंड में हमारी गठबंधन की सरकार है और हम निर्णय लेंगे कि झारखंड में किसान विरोधी बिल को लागू नहीं किया जाए। विधेयक 2020 जो पारित किया गया है, ये मनमाना ढंग से जबरदस्ती पारित कराया गया है। बिना बहस किए ये बिल पारित करके केंद्र सरकार ने ये जता दिया है कि मोदी सरकार किसान के विरोधी है और इस प्रकार का विधेयक बार बार भाजपा द्वारा पारित कराता जा रहा किया जाता रहा है। इसे ये साबित होता है कि भाजपा सरकार में लोकतंत्र हमेशा खतरे में बना रहता है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा आज 2400 जिला में जिला मुख्यालय में किसानों के हित को देखते हुए किसानों के साथ एकदम हरदम खड़ी है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा गांव घर की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। इसलिए कर किसानों पर अत्याचार यह पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए मोदी सरकार के द्वारा जो किसान विरोधी बिल लाया गया है, जब तक वापस नहीं होता है तब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते रहेगी।